एमएस ऑफिस की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको फाइल मेनूबार के बारे में बताया था कि फाइल मेनूबार कैसे वर्क करता है। अब हम बात करेंगे कि आपको वर्ड पे डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट कैसे करो। जैसे कि हर बार डेटा टाइप करें इसकी जरूरत तो नहीं है, कई बार डेटा हम बाहर से भी लेके आते हैं। तो बाहर से डेटा कैसे लेके आएंगे? तो चलिए एक इंटरनेट पे हम जाते हैं और डेटा कॉपी करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमारी क्वीन, सॉरी इसकी क्यूके की क्वीन मरी है, उसी के बारे में जानते हैं। विकिपीडिया पे आ गए। अब मुझे इसमें से इस डेटा को उठा के कॉपी करना है। अब एक कंट्रोल ए करके पेस्ट कर दोगे तो जैसा आया ऐसा है वैसा आएगा नहीं, इसलिए आप जब पेस्ट कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि मुझे सबसे पहले इसका टाइटल चाहिए, राइट? तो टाइटल को सिलेक्ट किए, कॉपी किए और यहाँ आया और पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट कर दिया। अब टाइटल पेस्ट करने के बाद देखिए इस तरह का लाइन भी आ गया, क्योंकि कॉपी करते समय एक कॉपी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ नहीं सिर्फ नंबर आए तो पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। दिख रहा है आपको पेस्ट स्पेशल? हाँ, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अनफॉर्मेट टेक्स्ट। क्या सेलेक्ट किया आपने? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्लिक करेंगे तो देखिए एलिजाबेथ का सिर्फ टेक्स्ट आया, पूरा डेटा नहीं आया, नहीं आया। अब इसको बड़ा कर लीजिए टाइटल के लिए, मिडल में रख लीजिए और जैसा करना वैसा कर सकते हैं, राइट? अब मान लीजिए मुझे इसके बारे में और डिटेल में चाहिए, जैसे ए है इसको उठाया हमने और ए उठा के हम कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए इसको। कॉपी करने के बाद जब मैं यहाँ पे देखिए कर्सर बिलिंग यहाँ पे कर रहा है, तो कर्सर को यहाँ जहाँ पेस्ट करना वहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, वहाँ बिलिंग होना चाहिए और फिर पेस्ट किए। कई बार लोग गलती करते हैं कि देखते ही कर्सर कहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो क्या दिक्कत होती है? वहीं पे वहीं से शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल का अगेन यूज करेंगे और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब पेस्ट स्पेशल बार बार क्यों करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट आया आया। हाँ, अब इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन जगह जगह पे ब्लू निशान बन रहा है। ब्लू निशान मतलब कि इस पे लिंक है। अब किसी को कॉपी भेजोगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है, कॉपी क्योंकि किया हुआ क्लिक करते ही लिंक दिख रहा है। तो आपके पास दो रास्ते हैं कि आप हर किसी पे राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक कीजिए। दिख रहा है सर? हाइपरलिंक, हाँ दिख रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप क्यों ना पेस्ट स्पेशल यूज कर लें। पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे यूनिकॉर्न फॉर्मेटिक टेस्ट का यूज कर लीजिए। अच्छा, या ऊपर भी ले सकते हैं, जो है वो भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट भी ले सकते हैं और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट भी। और उसके बाद ओके कर पेस्ट हुआ। अच्छा सर, यस पेस्ट हो गया। मैं ये पूछ रहा था सर, ये जो अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट लिया था अभी हम लोगों ने, तो इसको हम लोग ये टॉपिक के केस में भी ले सकते थे? हाँ। अच्छा, देखिए सर, तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब तो मतलब ये हुआ, जो भी हम पेस्ट स्पेशल का मतलब ये हुआ कि आप नॉर्मली जो कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो, सिर्फ उसका डेटा नहीं आता है, डेटा के साथ उसकी फॉर्मेटिंग और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट है रखना तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपकी देखिए रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत रखिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि आप पेस्ट किए थे इससे पहले जो पेज नॉर्मल जो हम पेस्ट किए थे तो नॉर्मल पेस्ट करते समय एक फॉर्मेटेड रूप में आया था, अच्छा दिख रहा था, फॉर्मेट नहीं। लेकिन जब आप
नहीं अच्छा दिख रहा है, एक तरह से फॉर्मेटेड है, लेकिन जब हम पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेटिंग हटा देते हैं, तो इसे यहाँ पे देखिए हटा दिए, तो फिर जो है आप पेस्ट देखिए इस तरह का हो इस गया। इस तरह, तरह मतलब मतलब इससे ये इससे ये होगा हुआ कि है कि ना, है ना सामने सामने वाले को वाले को ये नहीं ये पता पता चलेगा चले कि कि कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट किया है। किया। ठीक है, ओके नहीं सामने वाला पता लगा लेगा, बस इस लाइन को उठाएगा, कॉपी करके गूगल में पेस्ट करेगा, अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, ये भी है। ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हट गई। अब मतलब कि यहाँ पे इससे पहले जो आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करोगे उसमें क्या है कि उसमें आप जो है खुद की सारी की फॉर्मेटिंग सारी चीजें इंक्लूड होंगी। सारी की सारी चीज इंक्लूडेड है, आपको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कर सकते हो, खुद ब खुद फॉर्मेटेड है। अब उसमें आप जो है जो जहाँ से सोर्स कॉपी किए उस कॉपी का फॉर्मेट यहाँ पे इंक्लूड है, आप अपना खुद फॉर्मेटिंग नहीं लगा सकते। यहाँ पे हुआ कि आप जैसे टाइपिंग होती, टाइपिंग हुई, अब अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग लगाना है वो फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, यस तो इसका ये इस बेनिफिट ही है। तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल समझ गए आप, जैसे कि यस ऊपर की चीजों को कॉपी करके भी नीचे पेस्ट कर सकते हो, ऐसी भी बात नहीं है। ओके, और पेस्ट चलो स्पेशल उस पे ही वर्क करेगा, लेकिन जब तुम खुद का पेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मेटिंग वगैरह लगा दी, अब मैं इसको कॉपी अब मैं नीचे इसको पेस्ट स्पेशल करते हैं। अब देखिए सर इसमें तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। हाँ देखिए कॉपी पेस्ट स्पेशल में फीचर्स कम या ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जो पेस्ट कर रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ है। ओके अब वर्ड टू वर्ड पेस्ट करने में तो ज्यादा आएगा, एक्सेल टू वर्ड करने में तो और ज्यादा आ सकता है। पेस्ट अब यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक का भी ऑप्शन है कि आप इसको पेस्ट एज ए लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड ओके कर दिया, तो एक मेरे फाइल सेव नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये फाइल सेव नहीं है। पेस्ट एज ए लिंक का यूज ज्यादातर हम एक्सेल के थ्रू करते हैं, जैसे एक्सेल पे जाते हैं और एक्सेल का कोई डेटा है जैसे ये रहता है मुझे सेम टू सेम वर्ड में चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ बार बार मुझे चेंज ना करना, उस केस में हम इसका यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में लेते हैं लिंक और एक्सेल वाला पॉप लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एक्सेल जैसा आ गया हाँ पूरा का अब यहाँ पूरा। पे मैं एक्सेल में जैसे एंटी करके एंटर मारूंगा ना, आप यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिकली एंटी हो गया, ये चेंज किया नहीं किया। तो पेस्ट एज ए लिंक करने का जो ऑप्शन है यही है, अच्छा समझे। अच्छा पेस्ट पेस्ट लिंक जो लिंक जो है है वो वो कोई कोई और और मतलब सोर्स पेस्ट से, लिंक लाइक होता है, एक्सेल। नहीं इसमें एक्सेल में भी होता है पर फाइल को सेव करना पड़ेगा, मेरा फाइल अभी सेव नहीं है, लिंक जनरेट नहीं हुआ है अच्छा ना, सेव होगा तो नहीं ओरिजिन जनरेट होगा। जो लिंक होगा तो एक एड्रेस जनरेट करना होता है ना, यस सर। तो सोर्स एड्रेस जनरेट नहीं है इसलिए। तो पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक का यूज यही होता है कि आप कहीं से पेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो डेटा उस लोकेशन से लिंक हो जाए, अगर वो लोकेशन चेंज होता है तो अपने आप को चेंज कर ले। चेंज कर नॉर्मल कॉपी पेस्ट में क्या हुआ कि आपका ओरिजिन, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक्सेल से डेटा कॉपी करके नॉर्मली पेस्ट कर दी, एक्सेल पे चेंज हो गया तो फिर से दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना आपको, ली। हाँ, दोबारा कॉपी पेस्ट करना पेस्ट पड़ेगा। राइट। ऐसे नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको डेली सेल्स का एक टेबल है जो बॉस को भेजना होता है, वर्ड में थोड़ा सा डाल के और कुछ 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 लिख के भेजना पड़ता है, और सेल्स का जो टेबल एक्सेल में है तो एक्सेल में जो टेबल है वो बंदा कोई और बंदा अपडेट करता है, या सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक अपडेट होता है, तो आपको हर दिन कॉपी पेस्ट करके भेजना पड़ेगा ना सर। लेकिन अगर आपने इन दोनों को लिंक कर दिया तो क्या होगा, वो अब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जब जब यहाँ पे यहाँ पे चेंज चेंज होगा होगा एक्सेल एक्सेल में, तो में तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वर्ड में वर्ड में चेंज हो चेंज। जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए पेस्ट एज ए लिंक का इस्तेमाल होता है। अब एक बार अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, ठीक है।
फिर आता है कट, कट पेज तो पता ही आपको, ये बताना पड़ेगा। हाँ कट तो मालूम है, मतलब कि जो भी आपने कॉपी किया वो पूरा कट हो जाएगा, मूव हो जाता है उस लोकेशन से, मूव हो ये जाएगा। तो कॉपी है कोई दिक्कत नहीं। ये आता है फॉर्मेट पैटर्न, जैसे मान लीजिए किसी एरिया को आपने फॉर्म ये किया है, फॉर्मेट किया है, आप चाहते हैं कि सेम हाँ फॉर्मेट जो है बाकी लोकेशंस में भी हो जाए, तो इस पे क्लिक कीजिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया। अच्छा हाँ तो आपको बार बार फोन आप ये फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। अब इसमें आता है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड ऑन कर लेते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट होता है कि कहीं से आप कॉपी करते, से मान लीजिए कि आप इंटरनेट पे ही गए तो आप एक एरिया कॉपी करना है तब ना। अब मैं एक काम यस करता हूँ, यहाँ पे बैक करता हूँ, और ये बहुत सारे हमारे क्या है लिंक है लिस्ट जो लिंक्स, हुए हैं। अब सारे लिंक को मतलब सारे टाइटल को कॉपी करना है, लिंक को सॉरी लिंक हाँ को, तो आप क्या करेंगे कि एक लिंक को सिलेक्ट करेंगे, एक मिनट ओपन हो दीजिए, एक लिंक मैंने यहाँ पे आया सिलेक्ट किए, कॉपी सेलेक्ट करें, किया। कॉपी करेंगे और फिर एक्सेल पे आएंगे, इसमें सॉरी वर्ड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, फिर हाँ जाएंगे, फिर दोबारा को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, क्या? हाँ तो इससे बचने के लिए आप क्लिपबोर्ड को ऑन कर दो। क्लिपबोर्ड जब ऑन ओके कर दीजिएगा, क्लिपबोर्ड इस साइड में जो कॉर्नर में दिख रहा है ना, इसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। हाँ अब आपको सिर्फ कॉपी करते जाना है, कॉपी करेंगे, यहाँ दिख रहा है 124, हाँ यहां पे आया कॉपी किए, सॉरी आ गया, दिख रहा है फायर हो गया। आ गया यस। कॉपी किया, यस कॉपी किया, और लास्ट जब पेस्ट यस करना है तो पेस्ट ऑल कीजिए, एक बार में सारा पेस्ट हो जाएगा, तो आपका आधा टाइम तो हाँ बच गया। हाँ बाद में जब भर जाए, नया से कोई शुरू करना है तो क्लियर कर दीजिए, यहाँ पे क्लियर हो गया, देन कॉपी करना शुरू ओके। कीजिए, अदरवाइज को क्लोज कर दीजिए। अच्छा जरूरी नहीं है कि जरूरी खाली लिंक्स का लिंक्स का हो ना होना सर, सर, मतलब कि जैसे कि अगर मुझे जो भी अलग आप अलग लिंक्स चाहिए, क्लिप अलग बोर्ड अलग जब जी स्टेटमेंट। क्लिप बोर्ड जो ऑन कर लेते हैं तब आप कॉपी करेंगे तो वो आपके क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है, वन बाई वन स्टोर हो जाता है। 24 कॉपी को ऐड कर लेता है अपने पास। अच्छा और इसका ओके एक और बेनिफिट है कि एक ही चीज को अगर दो बार कॉपी करेंगे तो वो अपने पास एक बार ही स्टोर रखेगा, दो बार स्टोर नहीं रखेगा, तो दो बार डुप्लीकेट भी, नहीं रहेगा। डुप्लीकेशन भी इससे बच जाती है, ओके समझे। जी जी सर तो हमने कॉपी करना सीखा, पेस्ट करना सीखा, पेस्ट स्पेशल करना सीखा, पेस्ट स्पेशल यस में लिंक करना सीखा, उसके बाद फिर हमने आपको फॉर्मेट प्रिंटर सिखाया और कट फिर आपको क्लिपबोर्ड सिखाया, समझ में आया आपको। यस यस।